हाँ माइक ऑन। क्या गिरा कर ये भी इससे ज्यादा है ट्रिपल मम्मा, एक ये कैसी बनाई है? साल का أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. مجھے بتائیے گا آواز، سکرین، کیمرہ کلیئر؟ क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोगों ने कल का लेक्चर रिवाइज किया है? क्या आप लोगों ने चीजों को अंडरस्टैंड किया है? क्या आप लोगों के पास मेरे लिए कोई सवाल मौजूद है तो बताएं। एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम, एनीथिंग यू वांट टू आस्क। जी जी पूछें, जो सवाल हैं, जो परेशानियां हैं वो पहले डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग आगे जाएंगे। हाँ जी, अब वॉइस इको नहीं करेगी, पहले कर रही थी क्योंकि पहले दो सिस्टम ऑन थे और अब इको नहीं करेगी। अच्छा, क्लास जब आप लोग ज्वाइन करते हैं तो एक दफा इंश्योर कर लिया करेंगे कि आपका माइक बंद है, क्योंकि अभी क्लास के स्टार्ट में ईमान का माइक ओपन था और उनके घर की सारी आवाजें बच्चों को सुनाई दे रही थी, तो मैंने फिर फौरन से उनको म्यूट किया है। तो काइंडली जब आप क्लास में ज्वाइन करते हैं तो एक दफा ये इंश्योर कर लिया करें
आप बाय डिफॉल्ट म्यूट हैं या नहीं है। सर सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ के डिफरेंस में बर्डन ऑफ प्रूफ वाला पॉइंट समझ नहीं आ रहा। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ में बर्डन ऑफ प्रूफ। सिविल लॉ का पॉइंट ये कहता है कि अगर क्लेमेंट कैन प्रूव द रॉन्ग ऑन बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज डिफेंडेंट इज हेल्ड लायबल। देखिए, दो लोग होते हैं, एक होता है वो बंदा जिस पे जुल्म हुआ होता है, जिस पे जुल्म होता है हम उसको कहते हैं एग्रीव्ड पार्टी। क्या कहते हैं? एग्रीव्ड पार्टी। ऐसी पार्टी जिस पे जुल्म हुआ है, जिसने जुल्म सहा है, और ये डेफिनेटली जाएगा कोर्ट में और कोर्ट में केस करके बोलेगा कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, तो कोर्ट कहेगी अच्छा तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है, साबित करो कि तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है, साबित करो कि दूसरे बंदे ने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। क्यों? क्योंकि तुमने केस दायर किया। फिर दूसरी पार्टी को बुलाया जाएगा जो कि डिफॉल्टिंग पार्टी है, दूसरी पार्टी आके अपने आप को डिफेंड करेगी, अपने आप को बचाएगी। तो अगर क्लेमेंट जो क्लेम कर रहा है, जो एग्रीव्ड पार्टी है, जिसने दावा किया है, वो साबित कर दे कि भाई दूसरी पार्टी ने गलत किया है, दूसरी पार्टी पे रॉन्ग साबित कर दे, जो प्रोबेबिलिटीज हैं, जो खदशात हैं, वो दूसरी पार्टी पे साबित कर दिए जाएं, तो डिफेंडेंट यानी कि जो डिफॉल्टिंग पार्टी है, डी फॉर डिफेंडेंट, डी फॉर डिफॉल्टिंग पार्टी, वो फिर उसको सजा दी जाती। यह है सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ में क्या होता है? क्रिमिनल लॉ में जनाब स्टेट को प्रूफ करना पड़ता है कि दूसरे बंदे ने गलत किया है। अगर एक बंदा इशारा काट के निकला है तो पुलिस वालों को साबित करना पड़ेगा कि तुमने इशारा काटा है। तो स्टेट को, रियासत को साबित करना है उस ऑफेंस के बारे में, रियासत ने वो डाउट क्लियर करना है। और अगर दूसरी पार्टी पे जुर्म साबित हो गया और वो एक्यूज्ड बन गई तो फिर वो गिल्टी भी है और उसको कन्विक्ट किया जाएगा, उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। कन्विक्ट कहते हैं जो जेल की सलाखों के पीछे हो, कन्विक्ट कहते हैं जिस पे जुर्म साबित हो गया हो, एक्यूज्ड कहते हैं जिस पे सिर्फ इल्जाम तराशी की गई। तो एक्यूज्ड इज इल्जाम तराशना और कन्विक्ट इज जेल की सलाखों के पीछे चले जाना। Am I clear now, मुकद्दस? डन हो गया बच्चे? ठीक है जी। कोई और सवाल, कोई और मसला, कोई और परेशानी? हमेशा आपने एक बात याद रखनी है, हम कभी भी आगे नहीं जाएंगे जब तक आपको पिछली कोई बात परेशान कर रही है, चाहे पूरा लेक्चर ही मुझे उसको रिवाइज करने में क्यों ना लगाना पड़े। छोटी सी छोटी बात भी जब तक क्लियर नहीं होगी, जब तक आप नहीं कहेंगे सर आगे जाएं मैं रुका हूं, तो फीडबैक दें कि आपके पास कोई मजीद सवाल है। जितना हम लोगों ने कल एक पेज पढ़ा था, उस एक पेज में अगर कुछ पूछना है तो बताइए। और जब मैं फीडबैक मांगता हूं तो मुझे सबसे फीडबैक चाहिए, क्योंकि आप मेरे सामने फिजिकल तो है नहीं कि मैं आपकी आंखों में देख सकूं या आपके चेहरे को देख के जज कर सकूं कि कोई सवाल नहीं है। तो यहाँ पे आपको टाइप करके मुझे लाजमी बताना है कि भाई क्लियर है या नहीं है। तो आपका फीडबैक इज आपके वर्ड्स। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एक सवाल आया मेरे पास, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ये एक सवाल आया, मैं इसको थोड़ा सा आसान करके बताता हूं, क्योंकि इसके ऊपर हम लोगों ने कल एक लंबी चौड़ी बहस करनी है, तो अभी के लिए मैं इसको थोड़ा सा आसान कर देता हूं। डेलीगेशन क्या होती है पहले ये समझ लेते हैं। एक बंदा जो अपने काम में माहिर है, एक बंदा जो अपने काम को अच्छे से जानता है, अपने काम में माहिर है, होना ये चाहिए कि कानून भी वही बनाए, मगर कानून बनाने की जिम्मेदारी आती है मिनिस्टरों पर। अब मिनिस्टर तो इतने पढ़े लिखे वैसे भी नहीं होते, वो तो बस सियासी असरो रसूख के साथ आके बैठ जाते हैं, और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मिनिस्टर
इन्वॉल्व होगा कानून बनाने में, मगर असल कानून उस बंदे को बनाना चाहिए जिसको इस चीज की नॉलेज है। अब होता यह है कि फॉर एग्जाम्पल एक मिनिस्टर हो स्पोर्ट्स का, अब स्पोर्ट्स का मिनिस्टर है, उसको कहा जाए कि तुमने क्रिकेट के ऊपर कानून साजी करनी। अब उसको क्रिकेट की शायद अलिफ बे भी ना पता, उसको ये भी ना पता हो कि पिच क्या होती है, पिच की लेंथ क्या होती है, शॉट्स कौन कौन सी होती हैं, उसको कुछ आइडिया नहीं है। उसको फुटबॉल का ना पता हो, स्क्वाश का ना पता हो, टेनिस का ना पता हो, मगर जिम्मेदारी किसकी है? उसकी, कि उसने कानून बना के देना है। तो ऐसे में वो नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, जो इदारे नीचे मौजूद हैं, अब अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो क्रिकेट के केस में इदारा कौन है? पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। फुटबॉल के केस में इदारा कौन कौन सा होगा? पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, PFF। अगर मैं फाइनेंस की बात करूं, आईकैप। कंपनीज कैसे काम करेंगी? SEC। टैक्स की कलेक्शन कैसे होगी? टैक्स के लॉस, FBR। तो ये सारे इदारे हैं जो कि मिनिस्टर्स के अंडर काम करते हैं, और मिनिस्टर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो लॉ बनाएगा या बनाने में एक अहम किरदार प्ले करेगा, मगर उसको तो खुद कुछ नहीं पता। और वो लोग तो वैसे भी मेरिट पे नहीं आते, वो आते हैं दोस्तियों से। जितना प्राइम मिनिस्टर के जो करीब होगा उसको ला के आपके साथ में बिठा दिया जाएगा। तो अब होता ये है कि वो फिर इदारों से कहते हैं कि यार आप कानून बनाएं, क्योंकि आपको इस चीज के ऊपर ज्यादा नॉलेज। तो पीसीबी की कानून साजी, पीसीबी चेयरमैन, इसी तरह फुटबॉल का चेयरमैन, इसी तरह SEC में रजिस्ट्रार, टैक्स FBR में कमिश्नर्स। तो ये लोग मिलके फिर कानून साजी करते हैं, कानून बनाते हैं। लेजिस्लेशन कहते हैं कानून बनाना, डेलीगेशन कहते हैं अपनी अथॉरिटी दूसरे के सर पे डाल देना, दूसरे से कहना है कि तुम मेरे बिहाफ पे मेरा एजेंट बन के ये काम करके दो। दिस इज कॉल्ड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इसको हमने तफसीलन कवर करना है मगर कल। मगर क्या आपको उसकी बेस समझ आ गई? जी, युसरा का गलबन सवाल था, ठीक हो गया। अभी भी बता दें, कोई मसला कोई परेशानी कल के एक पेज से, किसी भी दिन हम ज्यादा स्पीड में नहीं होंगे। ऑल्दो हमारा कोर्स लेट स्टार्ट हुआ है, मगर हम लोगों ने स्पीड नहीं लगानी, और इसी स्पीड के साथ हम टाइमली अपना कोर्स भी कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। ये मेरा आपसे वो डन गाइस, ऑल ओके, ऑल सेट, ऑल वेट, ऑल क्लियर। अच्छा, अब आगे चलो, आज की नई बात करते हैं, आज की ताजा खबर पढ़ते हैं। आज की ताजा खबर में पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ना है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी नहीं, अभी तक काजिम भाई हमने कुछ स्टार्ट नहीं किया, अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी कहते हैं जमहूरियत को, डेमोक्रेसी कहते हैं जमहूरियत को। जमहूरियत में जो वर्ड जमूर है, जमूर, ये जमूर कहलाता है इंसान, जमूर कहलाता है एक ऑर्डिनरी इंसान। तो डेमोक्रेसी क्या है? इंसानों की इंसानों पे हुकूमत, इंसानों में से या लोगों में से कुछ लोगों को चुना जाता है और कहा जाता है कि तुमने इन लोगों पे हुकूमत करनी है, ये है डेमोक्रेसी। कि इंसान अपना लीडर खुद से चुनता है, इंसान अपना लीडर, अपना मालिक खुद से चुनता है, और फिर जो वो कहता है उसके मुताबिक अमल किया जाता है। ये डेमोक्रेसी मिलजुल के काम होता है। डेमोक्रेसी के कुछ पिलर्स होते हैं जिसपे वो स्टैंड करती है, और अगर आप देखें गौर से इस तस्वीर में तो पिलर्स हिल रहे हैं और डेमोक्रेसी में क्रैक आया हुआ है। इसका मतलब है कि अगर इनमें से कोई भी पिलर खराब हो जाए या उसमें क्रैक आना शुरू हो जाए तो डेमोक्रेसी बच नहीं सकती।
डेमोक्रेसी के चार पिलर्स कौन से हैं? पहला लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर यानी कि कानून बनाना, कानून बनाना, प्रेसिडेंट या असेंबली, प्रेसिडेंट या असेंबली। एग्जेक्यूटिव, वो हजरात जिन्होंने उस बने हुए कानून पे अमल दरामद होना, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट, इदारे। फिर जुडिशरी, जिन्होंने कानून को समझना है, लोगों को मजीद समझाना है, और जो कानून को फॉलो नहीं करता उसको सजा देनी, ये है जुडिशरी, अदालतें। और चौथा पिलर है मीडिया, मीडिया शो करता है कि कौन सही से काम कर रहा है और कौन सही से काम नहीं कर रहा, मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर मीडिया ये रोल सही से प्ले नहीं करता, तो हम मीडिया को बाहर फेंक देते हैं। अब होना तो ये चाहिए ना कि मीडिया ये दिखाए कि कौन सा कानून सही फॉलो हो रहा है, कौन सा नहीं फॉलो हो रहा, मगर मीडिया अनफॉर्चुनेटली माइक उठा के जो रिपोर्टर्स हैं वो अपने अपने कानून खुद ही से बना रहे होते हैं, लोगों को रास्ते में रोक के लोगों को तंग कर रहे होते हैं, उनसे इंटरव्यूज कर रहे होते हैं, इश्तेहार फैला रहे होते हैं। जुडिशरी जिसका काम है कानून साजी, जिसका काम है कानून की इम्प्लीमेंटेशन, जिसका कानून है सॉरी जिसका काम है कानून को उसका तर्जमा करके लोगों के लिए आसान करना, लोगों को सजाएं देना, ये कानून बनाने में पहुंचे होते हैं। एग्जीक्यूटिव, जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना है, लेजिस्लेचर वाले कहते हैं कि तुम कानून बना के दो, और जिनको बनाना चाहिए वो कुछ नहीं करते। इसी वजह से पाकिस्तान के हालात खराब है, इसी वजह से हमारी डेमोक्रेसी खराब है कि जो काम जिसको करना चाहिए वो बंदा वो रेलेवेंट काम करता ही नहीं है, जिसको जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करता। जिसने कानून बनाना है उसको बनाना नहीं आता, जिसने कानून इंप्लीमेंट करना था वो कानून बना रहा है, जिसने सजाएं देनी है वो कानून इंप्लीमेंट करवा रहा है, और मीडिया जिसने रिपोर्टिंग करनी है वो कैमरे और माइक लेके लोगों को सजाएं दे रहे होते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जिसका काम उसी को साजे, ये एक बड़ा मशहूर कोट है, मगर पाकिस्तान में ये कोट बिल्कुल ही नापैद हो चुका है, पाकिस्तान में ये चीज अब नहीं चलती। पाकिस्तान के अंदर जो लेजिस्लेशन है, जो कानून साजी है, वो दो हिस्सों में डिवाइड है, एक है प्रेसिडेंट और एक है प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट कहते हैं मुल्क के सदर को, और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं गवर्नमेंट के हेड को, ये दो डिफरेंट बॉडीज हैं। प्रेसिडेंट रियासत, मुल्क पाकिस्तान का हेड है, पूरे पाकिस्तान का फिगर है, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो गवर्नमेंट का हेड है। प्रेसिडेंट डिपेंड करता है प्राइम मिनिस्टर पे, प्राइम मिनिस्टर डिपेंड करता है प्रेसिडेंट पे, और दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, तो कोई किसी के साथ मिलके अगर काम करे तो ही काम चलता है, अदरवाइज दोनों ही इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते। पाकिस्तान में कानून बनाया जाता है इन फॉर्म ऑफ मजलिस शूरा यानी कि पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में तीन हाउसेज है, एक प्रेसिडेंट उसको साइड पे कर लेते हैं, उसके बाद दो हाउस, एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस। लोअर हाउस कहलाता है आपका नेशनल असेंबली और अपर हाउस कहलाता है सेनेट। लोअर हाउस इज नेशनल असेंबली और अपर हाउस से क्या मुराद है? सेनेट। ये सारी वो बातें जो कि आप इससे पहले टीवी पे खबरनामों में बहुत दफा सुन चुके होंगे कि प्रेसिडेंट है, असेंबली है, असेंबलियां तहलील हो गई हैं, प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नमेंट है, सेनेट है, ये सारी बात आप लोगों को सुनाई देती है, आप लोग पढ़ते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको लोअर हाउस और एक को अपर हाउस क्यों कहा जाता है? इसको अपर हाउस इसलिए कहा जाता है कि इसके पास रोब ज्यादा है, दबदबा ज्यादा है, इनके पास कंट्रोलिंग पावर ज्यादा है, और लोअर हाउस इसलिए कहा जाता है कि ये डिपेंड करते हैं अपर हाउस पे, सेनेट पे। अब इसके ऊपर तफसीलन बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेसिडेंट के ऊपर, इन सब के ऊपर हमने तफसीलन बात करनी है। सबसे पहले बात करते हैं किस पे? प्रेसिडेंट, मुल्क के सदर।
आजकल मुल्क का सदर कौन है? गैस करें कौन होगा? आजकल हमारे मुल्क का सदर कौन है? मिस्टर आसिफ अली जरदारी। प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ स्टेट है और ये सिंबल है यूनिटी का। यूनिटी किसमें? तमाम सूबों में। यूनिटी किसमें? तमाम इदारों में। यूनिटी किसमें? अवाम में। यूनिटी किसमें? पूरी रियासत में, पूरे मुल्क में। तो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट। प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ स्टेट है और इसको सिंबल ऑफ यूनिटी भी कहा जाता है। ये शर्त है कि प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको मुस्लिम होना पड़ेगा, तो कोई भी नॉन मुस्लिम पाकिस्तान का सदर नहीं बन सकता। प्रेसिडेंट आता है 5 सालों के लिए और कौन लेकर आते हैं? सेनेट, नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स मिलके वोटिंग करते हैं और चूज करते हैं या इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट फॉर अ पीरियड ऑफ अगले 5 साल। प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। अपना दौरानिया पूरा होने के बाद प्रेसिडेंट अगर चाहे तो अपने आप को दोबारा से एलिजिबल कर सकता है फॉर री इलेक्शन। बट नो इंडिविजुअल मे होल्ड द ऑफिस फॉर मोर देन टू कंजेकेटिव टर्म्स। 2 साल कंजेकेटिव होने के बाद आपको गैप लेना पड़ता है एक सेशन का, उसके बाद मजीद आप 2 साल के लिए आ सकते हैं। तो 2 कंजेकेटिव साल के लिए आया जा सकता है, तीसरे कंजेकेटिव साल में जाने को रोक दिया गया है और आपको कहा गया है कि उस तक आप नहीं जा सकते, बीच में आपको गैप लेना पड़ेगा। तो अगर 5 साल पूरे करता है सरदारी और उसके बाद भी अगले 5 साल पूरे करता है, उसके बाद तीसरे 5 साल के टेन्योर के लिए ये नहीं आ सकता, गैप आएगा, कोई और बंदा अपॉइंट करेगा। हाँ, उसके बाद अगर ये चाहे तो फिर से आ सकता है। जो भी नेशनल असेंबली में पार्टी डोमिनेटिंग होती है, मेजोरिटी में होती है, नॉर्मली उसी का नुमाइंदा प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। वो पार्टी जो कि डोमिनेंट है नेशनल असेंबली के अंदर, वो पार्टी जो कि नेशनल असेंबली में डोमिनेटिंग पार्टी है, वही पार्टी अपना बंदा चूज करती है एज सदर और उसी की बात मानी जाती है। सर खान की पिक्चर क्यों नहीं लगाई? वो सदर नहीं है मेरे भाई। इस वक्त मुल्क का सदर कौन है? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं। आपकी ख्वाहिश अभी थोड़ी देर में मैं पूरी करूंगा, थोड़ा सा हौसला कर ले। मुझे पता है कि आप लोग सपोर्टर कितने बड़े हैं। प्रेसिडेंट जो है वो तमाम कानूनों को अप्रूव करता है जो कि नेशनल असेंबली और सेनेट से अप्रूव होके आते हैं। जब कानून बनता है ना तो इन दोनों हाउसेस के अंदर फिरता है, दोनों हाउसेस कानून को अप्रूव करेंगे तो उसके बाद फाइनल अप्रूवल के लिए बात आती है सदर के पास और सदर वो फाइनल चीज को अप्रूव करता है। सदर जो है वो प्राइम मिनिस्टर को गाइड करता है ऑन द मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। बड़े मजे का वर्ड है, गाइड करता है। मगर नॉर्मली ये देखा जाता है कि सारे फैसले मुल्क के कौन ले रहा होता है? प्राइम मिनिस्टर। और सदर बेचारा बस एक डमी की तरह बैठा होता है और कुछ नहीं करता। इसके पास से तो सारी पावर्स ही छीन ली गई है। इसके पास पहले एक पावर थी कि अगर मुल्क में शदीद हालात खराब हो जाएं तो ये अपने एक साइन से सारी असेंबलियां तहलील कर सकता था, मगर अब उससे ये राइट भी छीन लिया। और पता किसने किया था? ये जो आपके सामने तस्वीर पे हजरात मौजूद हैं, इन्होंने ही 58(2)(b), आप कभी गूगल पर सर्च कीजिएगा, 58(2)(b) अमेंडमेंट आई थी और ये जो पावर, जो मेन पावर थी सदर के पास तमाम असेंबलियों को तहलील करने की, खत्म करने की और मुल्क में री इलेक्शन करवाने की, वो ताकत अब इससे छीन ली गई। और इस ताकत को वापस करने के बाद ये सिर्फ एक डमी की पोजीशन पे रहता है और कुछ नहीं करता। तो प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट है, प्रेसिडेंट हमारा सिंबल ऑफ यूनिटी है, प्रेसिडेंट को मुस्लिम होना चाहिए, प्रेसिडेंट 5 साल के लिए आता है और कंसेक्यूटिव 2 साल तक बैठ सकता है, प्रेसिडेंट एलिजिबल है फॉर री इलेक्शन,
जो पार्टी मेजोरिटी में होगी नेशनल असेंबली के अंदर, नॉर्मली उन्हीं का बंदा होता है। फिर इसका जो काम है वो ये कि ये गाइड करता है प्राइम मिनिस्टर को, और दूसरा काम ये है कि दोनों हाउसेस से अप्रूव होने के बाद जो कानून आता है ये उस पे अपनी आखिरी अप्रूवल देता है कि उसको पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दिस इज द रोल ऑफ प्रेसिडेंट, दिस इज द रोल ऑफ प्रेसिडेंट। अब एक स्टेप आगे चलते हैं। ले जनाब, जो आप चाह रहे थे वो अब आपके स्क्रीन पे आ गया। अब आप खुश, अब आपके दिल को सुकून मिल गया, ठंडक पहुंच गई। चले अब प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड बाय मेजोरिटी इन नेशनल असेंबली, और जो पार्टी मेजोरिटी में होती है उसी का बंदा अपॉइंट होता है एज प्राइम मिनिस्टर। अब इस वक्त मुझे बताइए, मौजूदा कौन सा है, मौजूदा कौन है? सही, खान के अलावा बाकी दो कौन है भाई? मौजूदा तो ये भाई साहब है, मौजूदा ये है। अच्छा, इनसे पहले ये भाई साहब थे, और इन भाई साहब से पहले ये भाई साहब थे। ये भाई साहब बहुत टाइम तक रहे हैं, और ये अगर पाकिस्तान के हालात इतने खराब ना हो गए तो ये जो राइट पे भाई साहब बैठे हैं ऊपर टॉप पे, ये भी आ सकते हैं। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, पता चले कि ये रिकॉर्ड हो रहा हो और बाद में अगली क्लास में जेल से आपको करवा रहा हूं, तो मैं नहीं चाहता कि अगली क्लास में आपको रिले करूं जेल में बैठ के। तो ये कुछ मैंने, हाँ जी, ये कुछ मैंने प्राइम मिनिस्टर्स आपके सामने पेश किए हैं। ये हमारे पास इस वक्त की जो लॉट है वो ये, करंटली ये जो भाई साहब बैठे हुए हैं जिनके हाथ में कागज है, इनसे पहले केयर टेकर ये भाई साहब थे, उनसे पहले जो ये व्हाइट शलवार कमीज में आ रहे हैं चलते हुए वो हैं, जो भाई साहब कॉर्नर पे हैं राइट साइड डाउन कॉर्नर पे, ये बहुत टाइम तक इन्होंने राज किया है, और ऊपर वाले भाई साहब अगर अल्लाह ने पाकिस्तान को महफूज रखा तो ये नहीं आएंगे। जी जी जेल से निकल रहे हैं इंशाल्लाह, मैंने कब कहा कि वो हमेशा ही जेल में रहेंगे। अच्छा, तो हमें समझ आ गया प्राइम मिनिस्टर, हमें समझ आ गया प्राइम मिनिस्टर। अब ये जो सियासी पार्टियां होती हैं, नून लीग, पीटीआई, काफ लीग, ये लीग वो लीग, ये है पॉलिटिकल पार्टीज, ये है पॉलिटिकल पार्टीज जिनसे नेशनल असेंबली और सेनेट के अंदर लोग आते हैं और वो आके पिक एंड चूज करते हैं। इसमें एक पॉइंट था, इसको जरा दोबारा से देखते हैं, री इलेक्शन वाला। जैसे ही 5 साल पूरे हो तो लॉ ने ये कहा कि भाई इसकी स्टेट है 5 साल तक, 5 साल के बाद इसको जाना है, मगर लॉ ने ये कहा कि अगर ये 5 साल के बाद दोबारा से अपने आप को इलेक्शन के लिए खड़ा कर दे, नामजद कर दे, तो इसको री इलेक्ट किया जा सकता है, मगर कंसेक्यूटिव 2 टर्म्स के लिए, तीसरी टर्म के लिए नहीं। यानी कि 7 साल की 2 टर्म्स हो, बीच में गैप ना हो तो चलने को तैयार है, और अगर भाई साहब तीसरी टर्म के लिए भी आना चाह रहे हैं तो फिर उनको गैप डालना पड़ेगा, 5 साल का गैप होगा और उसके बाद वो आ सकते हैं तीसरी टर्म के लिए। तो कंसेक्यूटिव 2 टर्म्स अलाउ है, वो मल्टीपल टाइम्स भी हो सकती हैं, जिस तरह 2000 से लेके 2005 और 5 से लेके 10 तक ये एक बंदा, फिर 10 से लेके 15 तक गैप करना पड़ेगा, और फिर 15 से 20 और 20 से 25 तक सेम बंदा फिर से अपॉइंट हो सकता है। तो कंसेक्यूटिव 2, और जो असल टाइम पीरियड है वो है पहले 5 साल। डन, यहां तक कोई सवाल? प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर क्लियर है? प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर क्लियर है? अच्छा, आपसे एक सवाल पूछता हूं,
आप पता नहीं आपने कभी फील किया है या नहीं किया, जरा मुझे गौर करके बताइएगा। मुझे अक्सर लोगों ने ये कहा है कि मेरी शक्ल बिलावल से मिलती है, क्या ये सही है या नहीं? मुझे अक्सर लोगों ने ये कमेंट किया है कि बिलावल से शक्ल मिलती है। शक्ल मिलती है, हरकतें नहीं मिलती, मैं शक्ल की बात कर रहा हूं। शक्ल 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 नहीं रमीज, उसको नहीं। हाँ जी हाँ जी, बस ठीक है, ये सुनना था आपसे, ये सुनना था आपसे, बस ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब फेडरल कैबिनेट, फेडरल कैबिनेट, फेडरल कैबिनेट। अच्छा, फेडरल में कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। फेडरल में कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करती है उसकी काबीना। प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करती है, उसको हेल्प करती है उसकी बनाई हुई काबीना, और ये वो लोग हैं जो कि दोस्ती यारी से अपॉइंट होते हैं। यहाँ पे इलेक्शन होना चाहिए कि अच्छे बंदे आए टॉप पे, मगर यहाँ पे दोस्तियां यारियां चल रही हैं। यहाँ पे वो सियासी जो लीडरशिप है उसको एक अहम रोल प्ले करना पड़ता है कि सही बंदा सही वजारत पे आए, मगर अनफॉर्चुनेटली जो हालात खराब होते हैं वो इस पॉइंट पे आते होते हैं कि जो उसके मशीर होते हैं ना वो ही नाकाबिले फरामोश होते हैं। आप चेक करें ये तस्वीर, राइट साइड पे इमरान खान बैठा हुआ है और ये उसकी छोटी सी काबीना बैठी हुई साइड में। यहाँ पे हर हर डिपार्टमेंट का कोई ना कोई वजीर बैठा होगा। फाइनेंस का अलग होगा, लॉ का अलग होगा, सिक्योरिटी का अलग होगा, हेल्थ का मिनिस्टर अलग होगा। तो हर जो डिपार्टमेंट है हर फंक्शन के लिए अलग अलग मिनिस्टर को पिक एंड चूज किया जाता है, और यहाँ पे ज्यादातर दोस्तियां यारियां चल रही होती। काबीना क्या है? अच्छा, ये वफाक है, वफाकी काबीना, फेडरल कैबिनेट यानी कि वफाक। इट इज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये देख रहे हैं एक से ज्यादा मिनिस्टर बैठा हुआ है, इसकी काउंसिल है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जिसको कहेगा इसको रख लो, प्रेसिडेंट भाई साहब उसको रख लेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट के अपने पास तो कोई ताकत अब है ही नहीं, सारी ताकत कौन लेके चला गया है? प्राइम मिनिस्टर। जो फेडरल मिनिस्टर्स होते हैं उनको मजीद सपोर्ट किया जाता है और इनके अंडर काम करते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स और सेक्रेटरीज। ये जो आप देखते हैं ना सीएसएस का इम्तिहान, पीएमएस का इम्तिहान दे के जो लोग सिलेक्ट होते हैं, आईपीएस वगैरह बनते हैं, ये इन मिनिस्टर्स के अंडर काम करते, यानी कि निचला तबका पढ़ा लिखा है और जो ऊपर लोग बैठे हैं वो अनफॉर्चुनेटली जाहिल है, उनको आइडिया ही नहीं है कि मुल्क को चलाना कैसे है। और जो नीचे पढ़ा लिखा तबका है वो इल्म हासिल करके आया है, वो यंग है, जवान है, वो कुछ करना चाहते हैं, वो ट्रांसपेरेंसी लेके आना चाहते हैं, मगर ऊपर जो पुराने बाबे बैठे हैं, जो पापी शो जो पापी लोग बैठे हैं वो उनको ऊपर नहीं आने देते। फिर नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली, वो कहता है सीट्स फॉर द नेशनल असेंबली को डिटरमिन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। अब मुझे बताइए एनए नेशनल असेंबली अपर हाउस था या लोअर हाउस था? जल्दी बता दें, अपर हाउस था या लोअर हाउस था? ये लोअर हाउस, एनए इज लोअर हाउस। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जिस सूबे में ज्यादा सीटें होंगी नेशनल असेंबली में उसी सूबे का राज देखने को मिलेगा। हम नहीं कहते पंजाब का तख्ता, पंजाब में चूंकि सीटें ज्यादा हैं तो हमेशा नेशनल असेंबली के अंदर पंजाब के मिनिस्टर्स आपको ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि ये डिटरमिन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। मेंबर्स अगेन चूज किए जाते हैं 5 सालों के लिए ऑन द बेसिस ऑफ वोट्स बाय वोटर। ये जो हम लोग वोटिंग करते हैं, क्या हम लोग प्रेसिडेंट को वोट कर रहे होते हैं? क्या हम लोग प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट कर रहे होते हैं?
आपके ख्याल से ये जो हम लोग वोट्स डाल के आते हैं, क्या ये प्रेसिडेंट का होता है, प्राइम मिनिस्टर का होता है? नहीं, हम जो वोट डालते हैं, वो हम बंदा चूज कर रहे होते हैं नेशनल असेंबली के लिए, और एमएनए और एमपीए चूज करते हैं प्रोविंशियल का और नेशनल असेंबली। हाँ, प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली के लोगों को चूज करते हैं, फिर ये आगे चूज करते हैं प्रेसिडेंट और उसके बाद सदर। मेंबर्स इलेक्ट देमसेल्व्स फॉर स्पीकर, डेप्टी स्पीकर एंड प्राइम मिनिस्टर। फिर जो हम लोग वोट डालकर आते हैं, एमएनए और एमपीए, वो जनाब सिलेक्ट होके पहुंच गए असेंबलियों में। अब नेशनल असेंबली का एक अलग सा स्पीकर होता है और उसका नायब होता है डेप्टी स्पीकर। इसी तरह प्रोविंशियल का भी स्पीकर होता है और डेप्टी स्पीकर होता है, और ओवरऑल प्राइम मिनिस्टर भी हर एक का होता है या वो एक होता है? प्राइम मिनिस्टर हर एक का होता है या वो एक होता है? वो एक होता है, वो एक होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज लॉ मेकिंग। इनका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? कानून बनाना। और अपने ईमान से बताइए, क्या ये लोग कानून बनाते हैं? क्या ये लोग कानून साजी करते हैं? नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये स्किल्स लैक करते हैं, इनमें वो ताकत ही नहीं है कि वो कानून बना सके, क्योंकि ये पढ़े लिखे ही नहीं। ये अपना फायदा सोचने के लिए आते हैं, 5 साल के लिए आएंगे, अपनी माल दौलत इकट्ठी करेंगे, और बाद में यहाँ पे फ्लैट है, वहां पे फ्लैट है, ये है हो गया है, वो हो गया है, वो प्रॉपर्टी है, वो जेल में है, सारी नूरा कुश्ती चल रही होती है, सारी ड्रामेबाजी चल रही होती है। फिर हमारे पास आती है सेनेट, ये जो आप खतरनाक सवाल पूछ रहे हैं ना मेरे से, मैं इनके आंसर नहीं दूंगा। बाद में पता चले कि आप लोगों ने कट करके उसकी रिकॉर्डिंग अलग से चला दी है और बाद में मैं फंस गया हूं, तो सॉरी, मैं बड़ा एहतियात से सवालों को देख रहा हूं उस वक्त। सेनेट, मुझे बताइए, सेनेट से पहले पहले सारी बातें क्लियर है? क्योंकि तो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, सेनेट से पहले पहले सारी बातें क्लियर है? अच्छा जी, सेनेट पे आते हैं। सेनेट का पहला पॉइंट छोड़ के मैं बाकी बात पहले करूंगा। सेनेट के जो मेंबर्स हैं, वो इलेक्ट होते हैं themselves as a chairman and deputy chairman। यानी कि जो मेंबर सेनेट में आते हैं, उनमें से एक चेयरमैन बनता है और एक उसका डेप्टी चेयरमैन बनता है। जिस तरह वहां पे स्पीकर बनता है और डेप्टी स्पीकर बनता है, यहां पे एक चेयरमैन बनता है सेनेट का और एक उसका नाइब बनता है डेप्टी चेयरमैन। सेनेट मेरा अपर हाउस है। सेनेट का रोल ये है कि उसने नेशनल कोहिजन को और नेशनल हार्मनी को प्रमोट करना है, यानी कि मुल्क में सालमियत लेकर आनी है, मुल्क में दोस्तियां बढ़ानी है, मुल्क में यकजहती बढ़ानी है, इक्वालिटी बढ़ानी है। बिल्कुल, मुल्क में यकजहती बढ़ानी है, इक्वालिटी बढ़ानी है। चेयरमैन वो है जो कि सेनेट को लीड करता है। जो जो लोगों के दिमाग में फियर है, परेशानियां हैं, वो सूबे जो कि नेशनल असेंबली में दब गए हैं क्योंकि उनकी क्वांटिटी कम थी, याद रखिएगा, सेनेट में ये मसला नहीं है। सेनेट के अंदर हर एक को इक्वल सीट्स मिलती हैं, मगर नेशनल असेंबली में इक्वल सीट्स नहीं मिलती। वो डिपेंड करता है कि किस सूबे में कितने लोग ज्यादा हैं, मगर सेनेट के अंदर, इसलिए इसको अपर हाउस कहते हैं कि यहाँ पे इक्वालिटी है, यहाँ पे पॉपुलेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, यहाँ पे आपको इक्वल कुर्सियां मिलेंगी हर सूबे की। अगर किसी वजह से प्रेसिडेंट साहब को कुछ हो जाए या किसी टाइम के लिए प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली हो जाए, वैकेंसी आ जाए, तो जो चेयरमैन सेनेट है उसको उठा के हम प्रेसिडेंट बना सकते हैं। अगर कुछ टाइम के लिए प्रेसिडेंट गायब हो जाए या उसकी जगह खाली हो जाए या उसकी कुर्सी वेकेंट हो जाए, तो चेयरमैन सेनेट को हम उठा के प्रेसिडेंट के तौर पे नामजद कर सकते हैं।
कहता है तमाम कानून पास होते हैं नेशनल असेंबली से और उसको अप्रूव किया जाता है फ्रॉम सेनेट। तमाम कानून पास करती है असेंबली नेशनल, और बाद में वो अप्रूवल के लिए आते हैं किसके पास? सेनेट के पास। एक्सेप्ट मनी बिल। मनी बिल का ताल्लुक इनसे नहीं। ये बात आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है कि मनी बिल का ताल्लुक इनसे नहीं। तो सेनेट के अंदर बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, इन सब केपी के, इन सब की सीट्स बराबर होती हैं, मगर नेशनल असेंबली के अंदर ये डिपेंड करती है पॉपुलेशन ऑफ दैट प्रोविंस। जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा उसकी कुर्सियां भी ज्यादा, मगर सेनेट इक्वालिटी पर चलती है। पहला पॉइंट छोड़ के मुझे बताइए अगले चार पॉइंट्स क्लियर है। मनी बिल क्या है ये कल बात करेंगे, बस अभी के लिए आपने ज़हन में रखना है कि मनी बिल के अलावा ये मनी बिल क्या है, ये हमारा टारगेट है कल का, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मगर आज नहीं बताऊंगा, ये मैं कल बताऊंगा। याद है, क्लियर है गाइस? आज की आखिरी बात, आज की आखिरी बात। सेनेट, सेनेट याद रखिएगा, सेनेट जो है वो 6 सालों के लिए चूज की जाती है। जो सेनेट है, जो परमानेंट बॉडी है, उसको इलेक्ट किया जाता है 6 साल के लिए, यानी कि इसकी मुद्दत, जो इसकी टोटल मुद्दत है वो 6 साल। मगर मगर हर 3 साल के बाद 50% ऑफ द लोग छोड़ जाते हैं, और वो 50% पे री इलेक्शन होके मजीद 50% अपॉइंट किए जाते हैं। तो कुल दौरानिया है 6 साल, जो लंबी टाइमलाइन है वो है 6 साल, फर्ज करें ईयर 1 से लेके ईयर 6 तक, यह 6 साल। जैसे ही ईयर 3 पे जाएंगे 50% लोग छोड़ जाएंगे, और जो छोड़ के गए हैं उन पे मजीद नए इलेक्शन होंगे और 50% नए आके बैठ जाएंगे। तो 50% पुराने होंगे, 50% नए होंगे। जैसे ही 3 मजीद साल गुजरेंगे तो जो 50% पीछे रह गए थे अब वो छोड़ जाएंगे और मजीद 50% अपॉइंट हो जाएंगे। तो एक बड़ा मजे का फिनोमिना है जिससे हमेशा ट्रांसपेरेंसी रहती है, जिससे हमेशा ट्रांसपेरेंसी रहती है। इसका फायदा ये होता है हमें, इसका फायदा ये होता है कि हर वक्त हर पार्टी के कुछ पुराने वर्कर्स भी होते हैं, कुछ नए भी होते हैं। पुराना खून भी बैठा होता है और नया खून भी बैठा होता है। 50% छोड़ क्यों जाते हैं? लॉ ने कहा है कि भाई हर 3 साल के बाद जो पिछले 6 साल पूरा कर चुका है वो चला जाएगा। टोटल टर्म 6 साल ही है, मगर हर 3 साल के बाद देखना है किसके 6 साल पूरे हो गए हैं। तो जैसे उसके 6 साल पूरे होंगे उसको निकाल देना है, मजीद लोगों को इन कर लेना है। फिर 3 साल गुजरेंगे तो जो उसके पिछले 6 साल कवर हो चुके होंगे वो वाला चला जाएगा और मजीद लोग उसकी जगह पे आ जाएंगे। तो हर 6 साल का जो टाइम पीरियड है ये 3 3 सालों में जो है वो लॉ उसको स्प्लिट करता है कि हर तीसरे साल पुराने बाबे चले जाएंगे कुछ और कुछ नए बाबे आ जाएंगे। इसका फायदा ये है कि हर टाइम एक तो पार्टी के नए और पुराने, यानी कि यंग और पुराने मैच्योर वर्कर्स मौजूद हैं, और सेनेट को इसलिए भी अपर हाउस कहा जाता है कि इसमें सेंस ऑफ मैच्योरिटी ज्यादा है, इसमें जो लोगों की हम आहंगी है, जो हार्मनी है वो ज्यादा है, क्योंकि हर एक को इक्वल राइट्स मिले हुए हैं, इक्वल सीट्स मिली हुई हैं, जो कि नेशनल असेंबली में हमें नजर नहीं आती। आप एनए को डिसॉल्व कर सकते हैं, सेनेट को डिसॉल्व करना इतना मुश्किल है। डन गाइस, जो मेंबर्स चले जाते हैं वो दोबारा आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं वो उनकी मर्जी है, अगर उनकी पार्टी कहे तो उनको वापस भी रखा जा सकता है। ओके हो गया। तो आज हमने ये पढ़ा, अब मैं जरा किताब में देख लूं कि हमने कितना ज्यादा पढ़ लिया।
मैं आपको किताब से भी दिखा दूं कि हमने कितना ज्यादा पढ़ लिया। जी, मालूम, मैं आपको बताता हूं कितना ज्यादा पढ़ लिया हमने। क्या पढ़ा? हमने पढ़ा Page 5 और Page 6 का हाफ। ये देख रहे हैं, ये Page 5 है, हमने ये Page 5 पूरा पढ़ लिया एक पेज, और इसके साथ Page 6 का शुरू वाला पोर्शन। बस Page 6 का शुरू शुरू वाला पोर्शन, यानी के प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन से पहले पहले था। मैं आपको किताब पे दिखा रहा हूं, स्क्रीन पे नहीं दिखा रहा हूं। प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन से पहले पहले तक हमने सवा सफा पढ़ा है, 1.15 पेज, जो कि मेरा नहीं ख्याल के बहुत मुश्किल होगा। ये बुक कहाँ से मिलेगी? वहीद बुक से ले लें। मैं आपको नंबर बोल देता हूँ, नंबर लिख लें 042, नंबर लिख लें 042 37 5 000 32, 042 37 5 000 32। आप इस पर रब्ता करके किताब को ऑर्डर कर सकते हैं। डन। तो 2 दिन में हमने तकरीबन 2.25 पेज पढ़ा, और मजे की बात बताऊं, इस चैप्टर के आधे सवाल इन पेजेस में से भी आए हुए। तो ये चैप्टर 100% क्रैमिंग है। एक और मजे की बात सुन लें, इस चैप्टर में आपने सोचना नहीं है, ये चैप्टर सोचने वाला है ही नहीं। इस चैप्टर में जो है जैसे है इसको आपने उठा के क्रैम कर लेना। ये रट्टा है, आई कैब यहां से 100% रट्टा टेस्ट करता है, कोई लॉजिकल सवाल नहीं आएगा, 1% भी लॉजिकल सवाल यहां से नहीं बनता। तो आपने इसको 100% क्रैमिंग की तबीयत से ही तैयार करना है। कितना? यहां से 5 से 8, कम से कम 5, मैक्सिमम 8, और ऑन एवरेज 6-7 नंबर तक आई कैप ने इस सवाल सॉरी इस चैप्टर में से टेस्ट किया। तो 6 नंबर तक तो फॉर श्योर है, 6 नंबर तक तो फॉर श्योर है। अगर आप अपनी वर्डिंग में लिखना चाहते हैं तो लिख लें, मगर फिर कोशिश ये करनी है कि जो कंटेंट है उसके करीब करीब, अपनी वर्डिंग इतनी ज्यादा भी ना हो कि वो कंटेंट से ही एकदम से जुदा हो जाए, तो कोशिश करके करीब करीब रखें, अदरवाइज कोई मसला नहीं है। जी, सेनेट परमानेंट है, सेनेट परमानेंट है, नेशनल असेंबली को तहलील किया जा सकता है, मगर सेनेट को इतनी आसानी से तहलील नहीं करते, ये परमानेंट बॉडी है, ये रहती है, ये तहलील नहीं होती है। अगर आपने गौर किया हो तो हमने ये चीज, ये परमानेंट का वर्ड नेशनल असेंबली के लिए नहीं पढ़ा था, मगर कहां पे पढ़ा है? हमने पढ़ा है सेनेट में, और ये क्या लिखा हुआ है? परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी, यानी कि इसको तहलील नहीं किया जाता, ये परमानेंट है, आप इसको तोड़ नहीं सकते। किसको तोड़ सकते हैं? नेशनल असेंबली को तोड़ सकते हैं। सर, प्राइम मिनिस्टर का सेकंड पॉइंट बता दें, प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड बाय मेजोरिटी इन एनए, देन दैट इंडिविजुअल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। देखो, प्राइम मिनिस्टर से हलफ कौन लेता है? प्राइम मिनिस्टर से हलफ कौन लेता है कि मैं जो करूंगा मुल्क के लिए करूंगा, मुल्क के अलावा? प्रेसिडेंट। तो यही पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है वो उसको फिर अपॉइंट करता है, यानी कि वो हलफ लेता है, मगर असल में इलेक्ट कौन कर चुका होता है? नेशनल असेंबली। तो ये लोग इलेक्ट कर चुके होते हैं, बस ऑफिशियल अपॉइंटमेंट उसकी कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। तो कितना मजा आया था ना जब नवाज शरीफ से हलफ लिया गया, सॉरी शहबाज शरीफ से, और ले कौन रहा था? जरदारी, जिसके बारे में ये मशहूर था कि मैं इनको पता नहीं वो कौन सी गलियों में जो है वो किस तरीके से कुछ ना कुछ करवाऊंगा, और पता नहीं क्या क्या बातें ये लोग करते थे, और उसके बाद दोनों आपस में मुस्कुरा भी रहे होते हैं। अब सारे कंबाइन भी हुए हैं, अब सारे कंबाइन भी हुए हैं। ठीक है जी, अकबर भाई, रिजर्व सीट्स क्या होती हैं? कंटेंट से बाहर है, कंटेंट ने इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया, स्टिल आपका सवाल वैलिड है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको तफसीलन बता दूंगा, शायद बाकियों का इतना इंटरेस्ट ना हो।
हर वो सवाल जो कि इस चैप्टर का है मगर आउट ऑफ कंटेंट है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको तसल्ली से जवाब दे दूंगा, मगर शायद बाकियों का इतना इसके ऊपर दिल ना हो सुनने का। ठीक है जी, ओके हो गया अकबर भाई, ऑल डन, क्लियर, ओके। मैंने ग्रुप कल रिमूव किया था, ब्लू वाला ग्रुप रिमूव्ड है, ब्लू वाले ग्रुप अब नहीं है आई गेस। जी, बानूर बताएं आपका सवाल क्या था। चेयरमैन और स्पीकर में, चेयरमैन और स्पीकर में क्या क्या फर्क है, ये था ना, चेयरमैन सेनेट को चलाता है, यानी कि जो सेनेट है उसकी ड्राइविंग फोर्स है चेयरमैन, और जो असेंबली है, जो स्पीकर है, वो उन सब की बातें सुनता है और दूसरों तक पहुंचाता है। तो स्पीकर इज बेसिकली अ मीडिएटर, मगर चेयरमैन की इज्जत ज्यादा है एज कंपेयर टू स्पीकर, क्योंकि तो चेयरमैन की बात पे उफ नहीं होता, स्पीकर कभी ना कभी किसी ना किसी पार्टी के साइड ले रहा होगा। चेयरमैन को कैसे इलेक्ट किया जाता है, सेनेट वाले करते हैं, इलेक्शन से करते हैं। द मेंबर्स इलेक्ट फ्रॉम देमसेल्फ, वो लोग अपने आप में से इलेक्ट करते हैं चेयरमैन को और डेप्टी चेयरमैन को। ठीक है जी, तो 2 दिन में हमने कोई ज्यादा नहीं पढ़ा, और 2 दिन में हमने इतना जरूर पढ़ लिया कि आईकैब में 2 से 4 नंबर तक अगर कोई सवाल आ जाए तो हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। डन, ओके, गुड, हैप्पी हैप्पी चैपी। हैप्पी चैट, चलें जी, डन करें, कल मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।